চল হামতিয়ার চাই কাশ খুব চাক চাই পাকুন চি পাতে পাত পাত কৃতা তোমাই চি সারি ফা চাই কাশ খুব চাক চাই পাকুন চি পাতে পাত পাত কৃতা তোমাই চি সারি ফা যা দিল মে অনি মুচ বু বে আমার বে মুচ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द कुकर नाग न्यूज़ में आपका मेज़बान सज्जाद वानी। नाज़रीन इकराम, आज की खास मुलाकात में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कुछ गैंगस्टर बॉयज। गैंगस्टर बॉयज इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी यूट्यूब पर एक यूट्यूब चैनल है जिसको गैंगस्टर बॉयज के नाम से जाना जाता है, जिस पर अभी तक इन्होंने 10-15 वीडियोज़ भी अपलोड की है, जिस पर इन्होंने हज़ारों की तादाद में व्यूज़ गेन की है। जी सबसे पहले खैर मकदम है आपका द कुकर नाग न्यूज़ में। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना इंट्रोडक्शन दर्शकों को दीजिए। जी मेरा नाम फैसल अहमद है, मैं दीसू डक्सू में रहता हूं, जो कि अनंतनाग से 40 किलोमीटर लगभग दूर है। अनंतनाग से 40 किलोमीटर के एक दूरदराज इलाके में रहते हैं जिसका नाम दीसू डक्सुम है, जो कि कुकरनाग तहसील में पड़ता है। नाज़रीन इनसे बात करेंगे। जी फैसल साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आप ये रैप्स गाते हो, इसका शौक आपको कब से पड़ा, और जो ये रैप्स आपने गाना शुरू किया तो कब से आपने शुरुआत की? जी सर, बचपन से ही शौक था रैप गाने का, पर हमने एक साल पहले ये शुरू किया, जो कि हमारी चैनल यूट्यूब पे है जिसका नाम गैंगस्टर वाइज है। उस पर हमने 10-15 वीडियो अपलोड भी किए हैं, जिसमें हमने कुछ वीडियो की व्यूज़ हज़ारों की तादाद में पाई है। इनका और एक साथी हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। जी अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी मेरा नाम फैज़ान है। जी जी फैज़ान साहब, जो ये आप रैप्स गाते हो, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी जो ये हम रैप गाते हैं, इसमें एक मैसेज होती है, मैं चाहता हूँ वो लोगों तक पहुँचे। अगर वो जो रैप हम गाते हैं, अगर वो लोग सुनेंगे तो तभी उनके पास वो मैसेज पहुँचेगी। तो हमारी चैनल का नाम है गैंगस्टर बॉयज़ यूट्यूब पे, तो हम चाहते हैं सारे लोग सुने और हमें सपोर्ट करें। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से फैज़ान साहब ने कहा कि हम जो रैप गाते हैं उसमें एक ख़ास मैसेज होती है, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी ख़ास मैसेज होती है जो आप रैप्स में गाते हो? जी सर, आप जानते हैं जो कि आजकल के लोग हैं ड्रग्स करते हैं, हम इसलिए रैप गाते हैं, इसमें हमारी एक मैसेज होती है, मतलब कि ड्रग्स के बारे में और सोसाइटी के बारे में, मतलब ड्रग्स छोड़ दो और भी बहुत होता है, मैं चाहता हूँ लोग वो सुने और समझे। मैसेज जो इस प्रोग्राम के ज़रिए आप अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हो? जी सर, हमारी एक यही मैसेज है, हमारी यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम गैंगस्टर वाइज है, मैं चाहता हूं लोग वहां पे जाके हमारे वीडियो देखें और जो हम मैसेज दे रहे हैं वो सुने और समझे। हमारी यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है गैंगस्टर वाइज, हमें सपोर्ट करो ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। और मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने हमें आज तक सपोर्ट किया, और जिन लोगों ने अभी सपोर्ट नहीं किया, मतलब जिन लोगों को पता नहीं है हमारी चैनल यूट्यूब पे है जिसका नाम गैंगस्टर वाइज है, मैं चाहता हूँ वो भी हमें सपोर्ट करें। जी बस जी हाँ नाज़रीन, इनका यही कहना है कि जो हमारी यूट्यूब पर एक गैंगस्टर नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको लोग सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हमें भी आगे कोई ऐसा प्लेटफार्म मिले जिस पर हम अपना फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सकें, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें पहले से ही ये शौक था, बचपन से ही शौक था कि हम रैप गाए, और जो ये रैप्स है इन्होंने तकरीबन एक साल से, इनका कहना है कि एक साल से हमने ये रैप्स गाना शुरू किया, तकरीबन इन्होंने 10-15 वीडियोस भी बनाए हैं जो कि इन्होंने यूट्यूब पे अपलोड भी किए हैं, हज़ारों की तादाद में व्यूज़ भी इन्होंने पाए उसमें, और इनकी यही मैसेज लोगों को है कि हमें सपोर्ट करें। और ख़ास तौर पर सवाल निशान यहाँ पर यही पैदा होता है कि जो ये रैप्स गाते हैं, इनका कहना है कि हम वो एन्जॉयमेंट के लिए नहीं करते हैं, बल्कि उसमें लोगों के लिए एक खास मैसेज रहती है, जिस तरह से आजकल की सोसाइटी में यंग जनरेशन ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, वो हम उनको सलाह दे रहे हैं कि वो इस चीज़ को छोड़े, वो अगर उसके मुकाबले में एंटरटेनमेंट करें, एंजॉयमेंट करें, वो उससे बेहतर रहेगा। इसी के साथ ही दीजिए अपने मेज़बान सज्जाद वानी को इजाज़त, डॉक्टर कुकरनाग से द कुकरनाग न्यूज़ के लिए खास रिपोर्ट। Yar me urushit zulüm, davit zulüm, me mazar. Kurda kalvan gübrarız.
क्या खता थी मेरी जो तूने मुंह मोड़ दिया। याद ना रहा तुझे मेरा सच्चा प्यार, कैसे बुलाऊं तुमको तू है धोखेबाज। Yeah.